हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के नेम। आप कोशिश कीजिए कि ये नेम लर्न करें और घर में आप फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के नेम बोलना शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है ग्रीवा। ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं फालसे को। रेमफल, रेमफल। शरीफा, चेस्टनट, चेस्टनट। सिंघाड़ा आपने सर्दियों में खाया होगा। एवोकाडो, मगर नाशपाती। ये नाशपाती का मिलता जुलता है, इसका जो मुशाबत है मगर नाशपाती इसकी उर्दू है, या एवोकाडो ही आप कह सकते हैं। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला हमने डिस्कस किया ग्रीवा। ग्रीवा फालसा, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, इसका शरबत बना के पिया जाता है। नेक्स्ट है जी स्वीट लाइम। स्वीट लाइम, मीठा, मीठा, मौसमी से मिलता जुलता मीठा, स्वीट लाइम। एप्पल, एप्पल, सेब। मैंगोज, मैंगो की जमा मैंगोज, आम, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फल। बनाना, केला। ग्रेप्स, अंगूर। ये कॉमन से नाम है जो आप अक्सर सुनते हैं, नाम लेते हैं, जानते हैं। कोकोनट, नारियल। प्लम, प्लम। आलू बुखारा, आलूचा भी कहते हैं, आलू बुखारा भी कहते हैं, प्लम। पीच, आड़ू। पीच, आड़ू। एप्रिकॉट, खुबानी। एप्रिकॉट, खुबानी। मेलन, खरबूजा। पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट। ये वर्ड पोमेग्रेनेट नहीं पढ़ना, पोमेग्रेनेट। अनार, अनार। गुआवा, ये अक्सर गलत पढ़ा जाता है, गावा इसको पढ़ते हैं, ये वर्ड गुआवा है, गुआवा। अमरूद, लेमन, लेमन। लिम्मू, लिम्मू। लुकाट, लुकाट को उर्दू में भी लुकाट ही कहते हैं, लुकाट। ऑलिव, ऑलिव, जैतून। फिग, अंजीर को कहते हैं फिग। ऑरेंज, ऑरेंज, संतरा, संतरा। पियर, पियर, नाशपाती, नाशपाती। वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज। एवोकाडो, मगर नाशपाती। रेमफल, ये रेमफॉल नहीं पढ़ना, रेमफल। शरीफा। ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट को उर्दू में ड्रैगन फ्रूट ही कहा जाता है। डोरियन, डोरियन, इसकी भी उर्दू के अंदर कोई प्रॉपर इसका वर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये फल नहीं पाया जाता, तो इसको, या परियों का फल भी कहा जाता है इसको, डोरियन, परियों का फल, मीठा फल। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, खट्टल, खट्टल। किंग कोटन, कोकोनट, किंग कोकोनट, किंग कोकोनट को किंग कोकोनट ही कहा जाता है, ये कोकोनट की ही कोई किस्म है स्पेशल, इसको किंग कोकोनट कहा जाता है। ब्लड लाइम, नेक्स्ट है ब्लड लाइम। ब्लड लाइम सुर्ख संतरे को कहा जाता है, जो अंदर से सुर्ख होता है, इसका जो अपर पार्ट है, जो इस आउटर पार्ट है, वो भी सुर्ख होता है और रेडिश टाइप होता है, और जो अंदर से है ये सुर्ख होता है, इसको ब्लड लाइम कहते हैं। क्विंस, क्विंस, बही, बही, ये इसका मुरब्बा जो है वो आमतौर पर खाया जाता है। जैम्बल, जैम्बल, जामन, जामन। लोटस, लोटस, ये फूल मखाने भी इसको कहते हैं, या मखाने भी कहते हैं, लोटस। खमख्वाट, खमख्वाट,
नारंगी की तरह एक फल है, जैसे संतरा होता है उसी से मिलता जुलता ये एक फल है, ये भी हमारे यहाँ अक्सर नहीं पाया जाता। ब्लड ऑरेंज, ब्लड ऑरेंज सुर्ख संतरे को कहते हैं ब्लड ऑरेंज। आगे खुश्क मेवा जाति कुछ नाम, आमंड, बादाम, आमंड, आलमंड नहीं इसको पढ़ना, एल इसमें जो है वो साइलेंट है, आमंड इसको पढ़ा जाएगा, बादाम, वॉलनट, वॉलनट, अखरोट, रेन्स, किशमिश, रेन्स, किशमिश। अच्छा, किशमिश की मुख्तलिफ इकसाम है उनकी, इसलिए इंग्लिश भी इनकी मुख्तलिफ है। करंट, करंट किशमिश, इसकी मैंने रिसर्च की थी तो इसकी जो किस्म है अंगूरों की वो कोई और है। नेक्स्ट है जी डेट्स, खजूर, डेट्स, ड्राई डेट्स, छुहारा, जिसको खजूरों को खुश्क करके बनाया जाता है, जैसे अंगूर को खुश्क करके किशमिश बनाई जाती है, इसी तरह खजूर को खुश्क करके छुहारा बनाया जाता है और शादियों में आमतौर पर ये दिए जाते हैं नकाब पे। अर्थ नट, ये ग्राउंड नट भी इसको कहते हैं, अर्थ नट, मूंगफली, अर्थ नट, मूंगफली। कैश्यू, कैश्यू, ये कैश्यू नट भी पढ़ा जाता है, कैश्यू, काजू। पाइनस जरीरीडीना, पाइनस जरीरीडीना, चलगोजे को कहते हैं, या आसान आपने याद करना हो तो पाइन नट्स इसको कहा जाता है, पाइन नट्स। पिकेन्स, पिकेन्स, अमरीकी अखरोट, अमरीकी अखरोट को पिकेन्स कहते हैं। ब्रेजल नट, ब्रेजल नट, इसका जो नाम है जोज ब्रेजल, जोज ब्रेजल। प्रोन्स, प्रोन्स, खुश्क आलूचा या खुश्क आलू बुखारा, उसको प्रोन्स कहते हैं। बीटल नट, बीटल नट, छालिया, छालिए को इंग्लिश में बीटल नट कहते हैं। चेस्ट नट, चेस्ट नट, संघाड़ा, ये आमतौर पर सर्दियों में आपने देखा होगा बाजार में मिलता है, स्याह रंग का संघाड़ा और ये पानी के अंदर पैदा होता है, जोहड़ के अंदर। पिस्टैचू, पिस्टैचू, चिलगोजा, चिलगोजा। मकैडमिया, मकैडमिया, गिरीदार मेवा, ये भी मैंने नहीं देखा गिरीदार कोई मेवा है, उसका जो उर्दू है प्रॉपर मुझे नहीं मिली, मकैडमिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, इसको याद कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और घर में बोलना शुरू कीजिएगा।